आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड पॉली एम्ब्रियोनी किस में ज़्यादातर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसका मतलब होता है कि जैसे हमें पता है नॉर्मली जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो होता है ओव्यूल्स में, एम्ब्रियो सैक में। पर जब इसके अलावा अगर एम्ब्रियो किसी मान लीजिए सोमैटिक सेल से डेवलप हो रहा है जो कि न्यूसेलस में मिल रहा है, या फिर इसके अलावा चैलाजा में मिल रहा है, तो ऐसे सेल अगर एम्ब्रियो में बदल जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से मतलब है कि जो नॉर्मल हमारा साइट होता है ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसके अलावा किसी और जगह इसका एम्ब्रियो का डेवलप होना। अब जो हमारे पास सेकेंड टर्म है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है, यहाँ पर हम देखें तो पॉली मतलब एक से ज़्यादा और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोज का होना। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाए तो एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, पर पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज एक साथ डेवलप हो जाते हैं। तो हमें अब ये जानना है कि ये चीज़ किस प्लांट में कॉमनली पाई जाती है। तो आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। ए कह रहा है वीट, ट्रिटिकम यानी कि वीट, तो वीट में पॉली एम्ब्रियोनी का फिनोमेना नहीं दिखता है। बी है सिट्रस, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। सी जो है वो है कार्थमस, कार्थमस को हम जनरली सैफ फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी पॉली एम्ब्रियोनी इतना कॉमन नहीं है। और जो कॉर्कोरस है ये जूट प्लांट के लिए कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है जूट, और इसमें भी पॉली एम्ब्रियोनी नहीं मिलती है। सिट्रस का मतलब है जो लेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस जीनस का लेमन, इसमें ऑरेंजेस, नींबू यानी कि लाइम, नींबू, लेमन ये सब आ जाते हैं। तो इनके सीड्स अगर आप कभी भी देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ऑरेंज का सीड लिया है, इस ऑरेंज के सीड को अगर मैं स्क्वीज़ करूँगा यहाँ पर, तो स्क्वीज़ करने से आपको कई छोटे छोटे ग्रीन कलर के माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बाहर आते हुए दिखेंगे। ये और कुछ नहीं जबकि बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं इसमें, और इन्हीं को हम टर्म देते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो ये कॉमनली किस में पाई जाती है, सिट्रस फैमिली में। तो यही होगा हमारा आंसर, बी सिट्रस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।